गुड आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है, 11:30 हो रहा है। और आज मैं एक वो चीज़ करने जा रही हूँ जो कि जब हम बनाते होते हम कभी सोचते नहीं कि हम वो करेंगे। तो कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जो कि मुझे मेरे चैनल से डिलीट करनी है। पहले मैंने सोचा मैं प्राइवेट कर दूँगी, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको डिलीट कर दूँगी। ऑल्दो इसका किसी से कुछ लिंक नहीं है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है कि मैं डिलीट कर हटा रही हूँ, बस सबकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए मैं उन वीडियोस को हटा रही हूँ। तो फिर मतलब यू नो कि जब आप एक वीडियो बनाते हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत के साथ साथ आपकी यादें, आपके इमोशंस जुड़े होते हैं उससे। तो जब आप उनको 1, 2, 3, 10, 15, 20 तब भी चलता है ना, 50 हो, लेकिन जब वीडियोस 200, 300 इतनी वीडियोस को हटाना अपने चैनल से, अब मुझे पता नहीं है वैसे कितनी है, बट मैं हटा रही हूँ। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलो खाना बनाने से पहले वो कर देती हूँ। और मेरा मूड बहुत ख़राब था क्योंकि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था बनाने से पहले कि मुझे हटानी भी पड़ेंगी कभी, पर हटा रही हूँ, बस हटा रही हूँ, और आप लोगों के सामने ही हटा रही हूँ। और जब मैं हटाऊँगी तो मेरे चैनल का चैनल की जो रैंकिंग है वो बहुत डाउन हो जाएगी। जो बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप इतनी सारी वीडियोस को अपने चैनल से हटाते हैं तो आपका लाइक चैनल एकदम डाउन हो जाता है। तो नहीं यार, क्यों ये इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरा, और नेट सारा ख़त्म हो गया, मैंने सारा का सारा इंटरनेट ना आज यूज़ कर लिया। तो फिर अभी वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है भगवान जी चाह रहे हैं कि डिलीट ना हो। बट ये मेरे कपड़े हैं जो कि मैंने प्रेस करवाने के लिए दिए हुए थे, तो अभी आए हैं। ये तो मन कर इसी मेरे अंदर चुन्नी में इनको लगाना भी क्या है, अंदर तो जगह नहीं बिल्कुल भी, तो इसे बंद रखती हूँ। फिर जब बैग में पैक करने होंगे फिर मैं इनको डालूंगी। ये भी मेरा बैग है, मतलब इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें मैंने यहाँ पे ऊपर कपड़े रख दिए एंड वहाँ पे भी मेरे कपड़े हैं। ये दरवाजा नहीं खुलता, ये हर कपड़े सूखे हैं, बस इनको उठाना। बुरा पता किस बात का लग रहा है मुझे कि मतलब बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। उनसे मैंने अराउंड 100-110 वीडियोस अपनी डिलीट कर दिए। कुछ जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, मतलब रात का टाइम है और फ़ोन पे ना हो नहीं पाया, मतलब इतनी सारी वीडियोस डिलीट नहीं हो पाई, और बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी, तो एक एक करके तो नहीं हो पाएगा। तो मैं लैपटॉप खोल रही हूँ, मार्क करके तो मैं उनको हटा रही हूँ। एंड कुछ नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश करके मैंने देखा 1200 वीडियोस रह गई हैं, पहले 1300 थी। और आई डोंट नो कि मैं ये वाला व्लॉग कब डालूँगी। और देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग तरह तरह की बातें उठाएं, हर किसी का अपना अपना कंसर्न होता है, और मेरा हमेशा से यही मानना था। और अभी इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, मीन्स प्रियंका, तो यहाँ पे प्रियंका की बात हुई, और किसी का भी नाम कोई उसके किसी का भी कोई कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज प्राइवेसी मीन्स प्राइवेसी। नेक्स्ट डे है आज, और अच्छा लग रहा है मुझे, मैं रोना धोना नहीं करूँगी यहाँ पे जितना, मतलब थोड़ा आता है रोना कि इतना बड़ा चैनल था एंड इतने सारे व्यूज़, इतनी सारी चीज़ें थी, सो उसको डिस्कस नहीं करूँगी। गुड आफ्टरनून अभी हुई है मेरी, मैं आधे घंटे पहले उठी थी और चाय मेरी ना लास्ट में पड़ी पड़ी ऐसे हो गई, तो फिर मैं इसको गर्म कर रही हूँ। और अभी आपको मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहती हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया, इसका ना मैं आपको मतलब अभी नहीं बता सकती। और देखो जब मैंने डिलीट किया तो मुझे रोना काफ़ी आया, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और एक राइट टाइम आएगा देन आई विल डिस्क्लोज़
कि मैंने ये सब क्यों किया और इसके बाद मुझे क्या करना है ज़िंदगी के साथ, चैनल के साथ क्या आगे होना है वो मुझे भी नहीं पता है अभी। और मुझे इतना पता है कि मुझे मेरी जितनी भी 4 साल की मेमोरीज़ थी, जितनी भी सारी चीज़ें थी, उनको मुझे मिटाना था। एक लाइक कहते हैं ना, सब कुछ भूल के एक फ्रेश तरीके से मुझे कुछ करना है। सो ऐसे मैंने सोचा है। बाकी नहीं पता मुझे कि आगे मेरी ब्लॉगिंग कैसी रहेगी, क्या नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से अपने चैनल को ख़त्म कर दिया है। और अभी मेरे चैनल पे आई थिंक सो 75 या 70 वीडियोस है। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने वीडियोस को प्राइवेट कर दूँगी, पर फिर मुझे नहीं पड़ेगा। डिलीट मीन्स डिलीट। और जब गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तब आप डिलीट कर देते हो, और उसके बाद जब गुस्सा शांत हो जाता है तब आप नहीं कर पाते। तो मुझे बस करना था तो करना था, और मेरी ये शुरू से चीज़ रही है तब करना है तो करना है। और रीज़न मैं आपको बताऊँगी, अभी राइट टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना, एक समय होता है किसी चीज़ को बताने का, वो समय जब आएगा देन आई विल डिस्क्लोज, अदरवाइज़ नहीं बताऊंगी। बाकी लोग बहुत सारी तरह तरह की बातें करेंगे, ऐसा होगा होगा, वैसा होगा होगा, करते रहो, इट्स ओके। बट पर मेरा फर्ज भी है ऑडियंस को बताने का कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं और सडनली मैं ये सब चीज़ कर रही हूँ। वो लड़के जो व्यूज़ के लिए, मतलब व्लॉग्स के लिए, अपने यूट्यूब के लिए इतनी ऑनेस्ट है, व्लॉगिंग के लिए कुछ भी हो, मेरा व्लॉग आता जाता है, कुछ भी हो। और 4 साल से वो लड़की मेहनत करी, उसने एकदम से, मतलब एकदम से उसने ये स्टेप लिया, तो रीज़न कुछ ना कुछ बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे ना एक व्लॉग में नहीं, एक्चुअल लाइफ में भी बहुत स्ट्रांग होना है। सो पूरा कट करके उसको, एंड उसके बाद मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है मेरी चैनल के साथ। अभी आई थिंक 79 या 71 वीडियोस हैं, वो भी शायद मैं हटा ही दूंगी वीडियोस को। अभी बताती हूँ आपको, वीडियोस हैं। और ये ब्लॉग पता है मैं क्यों बना रही हूँ? मुझे याद रहे 77 वीडियोस हैं अभी, 77 वीडियोस, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये स्टेप कब लिया था। पहले मैंने पूरा चैनल डिलीट करने का सोचा था, पर फिर मैंने नहीं डिलीट किया क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा यार। मतलब इंडियन यूट्यूबर प्रियंका से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मुझे पहचान मिली है, तो मैंने डिलीट नहीं किया, नहीं तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, बहुत ज़्यादा। पता है आपको, मैं कल भी नहीं नहाई, आज भी नहीं नहाई, मैंने ब्रश भी नहीं किया है अभी, और मैं सुबह से ऐसी हूँ, मतलब उठी भी इतना लेट उठी हूँ क्योंकि मुझे बड़ी स्ट्रेस सा हो गया था। और कल मैंने शाम को जब वीडियोज़ डिलीट की, उसके बाद मैंने केक खाया, इतना मीठा खाया, और उसके बाद मैंने रात को सोचा इतनी सारी चीनी डाल के चाय पी। और आई नो मुझे बहुत रोना आना चाहिए, ऑब्वियस है, लेकिन रोना नहीं है, दिल को बहुत पक्का करना है, बहुत मजबूत करना है मुझे अपने आप को, नॉट फॉर व्लॉगिंग यूट्यूब, इन रियल लाइफ भी। बिकॉज जब का पास्ट होता है ना, वो आपका पास्ट होता है, तो उसको बुलाना मीन सब कुछ डिलीट करना। वैसे प्रियंका चोपड़ा ने भी सारे अपने बाल काट लिए थे एक मूवी में, अनजाना अनजानी थी कौन सी थी वो, लाइक डैट। और जब डिलीट किया उसके, मुझे बड़ा शांति सी आई, मतलब यू नो एक। और अभी आपको जैसे कुछ चीज़ें पता नहीं है, जब आपको पता चलेंगी वो चीज़ें तो आप डेफिनेटली समझोगे। एंड और क्या कहूँ, व्लॉगर हूँ तो इतना तो बताना बनता ही था आपको, सबको इन्फॉर्म करना। और आगे आई डोंट नो ये क्या है। अभी मुझे एक बात और याद आ रही है, याद है आपको एक बार मैं आईफोन लेने के लिए गई थी और मेरा वो पूरा डाटा डिलीट हो गया था, तो मैं एक डाटा के लिए कितना रोई थी, मेरा डाटा डिलीट हो गया। आई नो मेरी वीडियोस डिलीट हो गया, मेरे चैनल का सब कुछ डाउन हो जाएगा, सब कुछ। बट एक अच्छी चीज़ पता क्या है इसमें, कि शुक्र है मैंने गुस्से में अपना चैनल नहीं डिलीट किया, तो इस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ। और ये जो जितने वीडियोस बड़े बच्चे हैं ना, ये भी मैंने हटाई देनी थी, बट हटाई नहीं, हटा दूंगी इनको भी मैं। और अभी मैं आपको बोल दूं कि मैंने ये सोचा है, वो मैंने कुछ सोचा नहीं अभी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि स्टिल कहीं ना कहीं गुस्सा मेरे दिमाग में बहुत है, और मैं इतनी गुस्से में हूँ, इतनी गुस्सैली हूँ मैं, कि मतलब। बट जो किया अच्छा किया मैंने, आप लोगों के साथ मैं इस बात को शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन एक राइट टाइम आने पे, अभी नहीं। और अभी बस, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा यार मैं करके, मतलब मैंने क्या किया, मेरी ज़िंदगी से साथ क्या हो गया। मैं सुबह उठी एंड लाइक
और मैंने आज एक जो व्लॉग डाला वो उस बात से पहले का व्लॉग है जिसमें मैंने लिखा ना यूके जाने की तैयारी, तो मैं उठी सुबह मैंने एडिट किया वो वाला व्लॉग डाल दिया, फिर मेरा मन हो रहा कि मैं उसको भी डिलीट करती हूँ, तो नहीं यार प्रियंका उसको रहने दे, और जो चीज़ें हुई वो उस व्लॉग के बाद हुई। गलती नहीं है किसी की, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी मतलब किसी का भी कुछ नहीं है, जो होता है वो भगवान जी को पता होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा लिखा हो, ऐसे ही बोलते हैं ना जब भी कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत होता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है मेंटली भी एंड हर प्रकार से, नॉट ऑन लाइक यूट्यूब पे व्लॉग्स बना बना के मैं आपको दिखाऊं कि ऐसे ऐसे हो गया है। एंड पहले मैंने सोचा था कि मैं एक व्लॉग बनाऊं इसमें आपको बताऊं कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ, पर मैं बोला नहीं प्रियंका तू किसको बता रही है, आई नो आप मेरी फैमिली हो, बट कई बार कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो बस आपको लेने होते हैं, यू मैंने किसी से भी पूछना नहीं होता है, बस लेना होता है तो बस लेना होता है। तो इस प्रकार से जैसे आई नो आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आप करोगे कि बहुत सारी ऐसे बोलेंगे ऐसे हो गया होगा वैसे हो गया होगा ये हो गया होगा वो हो गया होगा इसलिए हटा दिए, बट जो भी है प्रियंका एक ऐसी लड़की थी जिसको अपने काम से बहुत प्यार है, जिसको व्यूज से, व्लॉगिंग से, व्लॉग से, वीडियो से बहुत प्यार है। सो अगर मैंने ये स्टेप उठाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। अब हर कारण बुरा नहीं होता एंड हर कारण अच्छा नहीं होता एंड हर कारण YouTube पे बताने, आई नो कि मैंने बोला था पिछले व्लॉग्स तो चलो नहीं है कि सच बोलो प्रटेंड ना करो, प्रटेंड नहीं कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ छुपा नहीं रही हूँ, वेट कर रही हूँ कि सही टाइम आए और देन मैं बैठ के बताऊँगी, तब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से फिर समझ भी आएंगी। एंड बस इतना ही बोलना चाहती हूँ और मैं ये व्लॉग नहीं बना रही हूँ, एक मतलब ना ऐसे नहीं रिकॉर्ड करके अपने लिए रख रही हूँ कि मैंने लाइक 26 जनवरी की बात है, ये 26 जनवरी को हुआ और आज तो 27 जनवरी है, तो 26 एंड 27 जनवरी 2022 को मैंने अपना चैनल ख़त्म कर दिया, अब कह सकते हो इसको 26 जनवरी 2022, मतलब इतना अच्छा चैनल मैंने पूरा मतलब ख़त्म कर दिया। सो इसलिए मैंने इस व्लॉग को बनाया ताकि यू नो ये वाली मेमोरी मेरे साथ हो, ये शुरुआत वाली चलो ठीक है जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बट ये वाली मेमोरी मेरे साथ में हो। एंड आई हैव नाउ 77 वीडियोस, इसको मिला के 78 हो जाएंगी और इसको मैं आज डाल दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछ रहे हैं कहाँ गई वीडियोस, किसी ने आपका चैनल हैक तो नहीं कर लिया, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, तो मैंने चलो उनको बता दूँ कि नहीं किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथों से अपने चैनल की वीडियोस डिलीट करी हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, क्या बोलूँ, खुश रहो आप रहो कि मैं खुश रहूँ, बाय बाय।